जनपद संभल में चुनावों को लेकर आयोजित की गई मीटिंग जिसमें पुलिस कप्तान, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्र अधिकारी, थाना प्रभारी आदि मौजूद रहे। साथ ही चुनाव को लेकर मीटिंग आयोजित की गई, किसी भी कीमत पर बवाली को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही मतदान केंद्र को समय से ही चेक कर लिया जाए, कार्यशैली पारदर्शियों, वीआईपी व वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर प्लान कर लें, पैरामिलिट्री की फोर्स को समय से ही होमवर्क करा लें, अति संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी, रैली के बाद 10 मीटर का गैप देना होगा, मोटरसाइकिल को रैली वाहन में काउंट किया जाएगा, कोई भी छोटी छोटी घटना पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी, ऐसे में किसी भी तरह का कोई भी विलम्ब न करते हुए तत्काल कार्यवाही की जाएगी, वाहनों की चेकिंग की जाएगी और किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, 200 मीटर तक कोई भी वाहन नहीं रहेगा। क्या हुआ? ये जनपद संभल में आदर्श आचार संहिता लागू है, इसी के मद्देनजर आज हमारे यहाँ पुलिस पर्सनल की ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें एडिशनल एसपी देवेश आए हैं बाहर से और इन्होंने हमारे जनपद के सभी पुलिस कर्मचारियों को सैनिटाइज किया है। उनको ये बताया है कि कैसे निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अपने कंडक्ट को निष्पक्ष रखा जाए, प्रभावी कार्रवाई की जाए, क्षेत्र में भ्रमणशील रहा जाए, जो हमारी सिटी में फोर्स आ रही है उसका मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाए, वल्नरेबिलिटी मैपिंग कैसे की जाए, क्रिटिकल बूथ के असेसमेंट कैसे किया जाए, जो हमारे यहाँ वांछित अपराधी और इलिसिट लिकर और अवैध शस्त्रों में इन्वॉल्व व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कैसे प्रभावी कार्रवाई की जाए, बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाए, एरिया डोमिनेशन कैसे किया जाए और मतदान को कैसे सुनिश्चित किया जाए सुदृढ़ और सुचारू रूप से अधिक मतदान हो, इसको करने के लिए पुलिस बल का निष्पक्ष और सराहनीय योगदान रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आज सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया है, सभी को सैनिटाइज किया गया है और यहाँ पे जितना पुलिस बल है उसको ये किया गया है कि आज से लेकर के मतदान खत्म होने तक अपना कंडक्ट आचरण निष्पक्ष रखें और सभी लोग सक्रिय प्रतिभागिता करते हुए अधिक से अधिक मतदान कराने का प्रयास करें, निष्पक्ष सुरक्षापूर्ण और सुरक्षित वातावरण में शांतिपूर्ण मतदान हो, इसी के लिए प्रयास किया गया है जिसमें आज सैनिटाइज किया गया है। इसके लिए मैं हमारे यहाँ आए हैं एडिशनल एसपी, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, यहाँ जितने सभी पार्टिसिपेंट हैं उन सभी का धन्यवाद देता हूँ और उनसे अपेक्षा करता हूँ कि सुचारू रूप से निष्पक्ष और बढ़िया मतदान कराएंगे।